नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में एक बेल आइकॉन बनकर आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कितने लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं प्लीज़ आप हाई लिख के सेंड कर दीजिए, थोड़ा सा आज विलंब हो गया, माफ़ी चाहूँगा। आप भी कहेंगे बोले थोड़ा लेट हो रहे हो सर, कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ जाता है तो सेटअप प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो हम लोग प्रयास तो 8:30 बजे से ही शुरू कर देते हैं लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। बताइए कितने लोग लाइव आ चुके हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हाय लिख कर सेंड कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग लाइव है। जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए, राधे राधे, प्रियंका जी हाय, अनूप जी हाय हाय हेलो, ओके तो हम शुरू कर सकते हैं, आपने इजाज़त दे दी है। आप वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, 5 सेकेंड का टाइम निकाल के आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और हम शुरू करते हैं। 5 सेकेंड में हम शुरू कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर द वीडियो, आप शेयर करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। माया जी मालवीय प्रणाम आपको भी, तानिया पटेल कर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तानिया जी, आपका आभार, थैंक यू। ज्योति बघेल थैंक यू, अच्छा मेरा वेलकम है जी, धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न आज का, तो आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैं चाहूँगा कि इसे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाए अगर अभी तक नहीं हुआ है तो, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। व्हाई डज वाटर टैंक अपीयर शैलोवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है, किस घटना के कारण प्रकाश की ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो है उथला हुआ दिखाई देता है, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल्दी से अपना कमेंट करके आंसर बताइए, क्या इसका आंसर होगा, आंसर बताइए क्या इसका आंसर होगा, ए बी या सी। आप लोग बोल रहे हैं बी, प्रवीण जी बी बोल रहे हैं, प्रतीक जी बी बोल रहे हैं, सपना जी बी बोल रही है, हिमांशु पांडे जी बी ऑप्शन बोल रहे हैं, काना जी राधा जी बी 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 बी, सभी लोग बी बोल रहे हैं, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन इसका आंसर बी नहीं है, और बताइए और कोई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही उत्तर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन डी वाला ऑप्शन, ठीक है। सो जो जो लोग बी बोल रहे थे यहाँ पे गलत हो गया है, ये पानी का टैंक ये जो ऊपर से देखते हैं, जब हम ऊपर से देखते हैं ना तो पानी का टैंक ऐसे उथला हुआ क्यों दिखाई देता है, वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ओह नो कोई बात नहीं। तो जो जो लोग डी बोल रहे, सोनू टिकम जी डी बिल्कुल सही है, स्वीकृति जी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेंसिल का टेढ़ी दिखाई देना पानी में प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है, लेकिन उथला हुआ जो पानी दिखाई देता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जी अनूप जी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सामान्य मनुष्य के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर या फिर आपका 60 सेंटीमीटर। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान और बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं, विनोद जी, काना जी, राजा जी, हिमांशु जी, सभी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, दैट इज़ करेक्ट। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था और इसका जो सही आंसर है वो भी बी है, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बिल्कुल सही है सोनू जी, बिल्कुल सही है शुभम बना, यास्मीन खान 25 बिल्कुल सही है, प्रियंका जी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाहनों के पार्श्व दर्पण जो साइड मिरर होते हैं, वाहनों के अंदर जो साइड मिरर लगाए जाते हैं, में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इन्वर्ट उल्टा, ये डी वाला ऑप्शन तो चलिए मैं ही काट देता हूँ, तीनों में से बताइए, उत्तल, अवतल या समतल, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग हम वाहनों के साइड मिरर में करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ साइड मिरर में किसका यूज़ करते हैं ये बताइए। प्लीज़ कमेंट करके अपना आंसर बताइए, ए प्रिंस जी ए बोल रहे हैं, नीता जी बी बोल रही हैं, आप बाकी लोग भी बहुत सारे ए बोल रहे हैं, सोनू जी, माया जी, अभी सभी लोग आप बी ऑप्शन बोल रहे हैं, अवतल दर्पण बी ऑप्शन। रोहित जी उइके आप बोल रहे हैं ए ऑप्शन, माया मालवीय जी ए ऑप्शन, रंजना शर्मा जी ए ऑप्शन, काना जी राधा जी ए, ज्योति बघेल ए,
तो इसका सही ऑप्शन है ए, उत्तल दर्पण। तो वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। जो जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अवतल नहीं आएगा, उत्तल आएगा। अवतल दर्पण सोलर कुकर में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है, मतलब कि विच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। इसका सही आंसर बताइए मुझे कि प्रकाश की कण घटना है ये कौन सा फिनोमिना बताता है। डिफ्रेक्शन, विवर्तन, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण। क्या इसका सही आंसर होगा, ए बी सी या डी। अनुप जी आप डी बोल रहे हैं, शुभम बना डी ऑप्शन, सी बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, हिमांशु जी बी ऑप्शन आप बोल रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्चुअल में क्या होता है, प्रकाश की कण प्रकृति को क्या बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या होता है, किसी भी धातु के ऊपर जब हाईली इंटेंस लाइट को डाला जाता है तो क्या होता है, उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकलने में जो एनर्जी लगी है, जितनी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, किसी की धातु की सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे उसका कार्यफलन कहा जाता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया एनटीपीसी में, कार्यफलन किसे कहते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा का पार्ट लगता है दैट इज़ कॉल्ड कार्यफलन, है ना, वर्क फंक्शन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। और ये पूरी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल निक्की मीना जी, आपका नाम ले लिया है निक्की मीना जी। आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, थैंक यू सो मच। चलिए आपका नाम ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप सभी के नाम बहुत अच्छे। चलिए, साबुन का बुलबुला फिल इन द ब्लैंक्स के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है, मतलब गोलाकार जो होता है साबुन का बुलबुला वो किसके कारण गोलाकार दिखाई देता है, इनर्शिया के कारण, दाब के कारण, पृष्ठ तनाव या श्यानता, विस्कोसिटी के कारण, ए बी सी या डी। प्रतीक जी बोल रहे फेमस हो गया भाई। अरे सभी लोग फेमस हो आप लोग, ठीक है, ए बी सी या डी। सी, सरफेस टेंशन, बिल्कुल सही है। तो जो जो लोग सी बोल रहे हैं कंफर्म, रंजना शर्मा जी कंफर्म बता रही है सी, तो बिल्कुल सही है। जो जो लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं और आप इतना कंफर्म है तो फिर हम गलत नहीं कर सकते इसको। पृष्ठ तनाव जो होता है उसके कारण साबुन का जो बुलबुला होता है वो गोल शेप ले लेता है, ठीक है। तो निकी मीना, उसके बाद में गुलबहार जी भी डी ऑप्शन गलत है, शांता गलत है गुलबहार जी, ठीक है। बाकी सब लोग, हिमांशु जी सी ऑप्शन आप दे रहे हैं, माया मालवीय जी सी ऑप्शन, आरती जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आप अभी जुड़ी हैं क्या, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुड इवनिंग, आज थोड़ा लेट हो गए आप। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब फिल इन द ब्लैंक्स होता है, लंबवत परिवर्तन, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, पार्श्व परिवर्तन के साथ होता है या बड़ा प्रतिबिंब होता है, वर्टिकली इन्वर्जन के साथ होता है, रियल इमेज होता है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है उसका, या फिर एंगल्ड इमेज होता है। क्या इसमें से सही है, ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए इसमें से क्या ऑप्शन सही है। समतल दर्पण किस प्रकार का जो इमेज है वो बनाता है, ए बी सी या डी। सी बता रहे सोनू गांगुली जी, आप बोल रहे हैं सी ऑप्शन, माया जी बी ऑप्शन बोल रही है, रंजना शर्मा जी बी ऑप्शन, रंजना शर्मा अगेन बी ऑप्शन, दो बार आपने किया है कमेंट। प्रवीण, रोटी खाया करो यार, क्या है प्रवीण ये। चलिए तो यहाँ पर बी बी बी, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तो नहीं, ये तो गलत हो गया। तो जो जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं वो गलत है, वर्टिकल इन्वर्जन भी नहीं होता है, आप सीधे खड़े हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होता मिरर में ऐसे सीधे खड़े हुए और टांगे ऐसी ऊपर दिख रही है और सर ऐसे नीचे दिख रहा है, कभी ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हुआ है क्या, नहीं, तो वर्टिकल इन्वर्जन भी नहीं हो सकता। अब बताइए पार्श लेटरल इन्वर्जन होता है या फिर एंगल्ड इन्वर्जन होता है, बड़ा प्रतिबिंब होता है। आप जब खड़े रहते हैं तो आप खुद के आकार से बड़े दिखाई देते हैं कि आप दर्पण पे, तो आप बोलेंगे नहीं दिखाई देते। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है जो कि बिल्कुल सही है, लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व परिवर्तन, ऐसा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर रिक्त स्थान और परावर्तित किरण सभी एक तल में होते हैं, ये जो नियम लिखा जा रहा है यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, ये किसका नियम है।
स्पर्श, यहाँ पे मतलब इस नियम में फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, पृष्ठ आना चाहिए, स्पर्श रेखा आना चाहिए, अभिलंब आना चाहिए, परावर्तन कोण आना चाहिए। ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपतित किरण, आपतन बिंदु पर फिल इन द ब्लैंक्स और परावर्तित किरण, ये परावर्तन का आपका दूसरा नियम है जो हमने वीडियो डाली थी उसमें आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सी सी सी, सभी लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं। मनीष जी चौधरी सी ऑप्शन आप दे रहे हैं, पूनम जी सी ऑप्शन, शुभम बना सी ऑप्शन, सोनू बी नहीं होगा, बी कैसे हो सकता है, सी सी सी, सभी लोग सी बोल रहे हैं, जिसे अभिलंब या नॉर्मल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। परावर्तन की घटना आपको सबको पता है कि लाइट रे जब आती है किसी माध्यम में और किसी समतल सतह से टकराती है तो पुनः टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है, इस बिंदु, इस किरण को, इस रे को आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे कहा जाता है, इस किरण को परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, और जहाँ से इसका कोण मेजर किया जाता है वो ये लाइन है जिसे इस पर्टिकुलर सरफेस, जो ये सरफेस है उसके लंबवत रखा जाता है, और ये जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, इस लाइन को नॉर्मल कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं, ये जो है परावर्तन का दूसरा नियम है, और यहाँ पे अभिलंब आना चाहिए, ठीक है। यहाँ एंगल आई होगा, एंगल आर होगा, पहला नियम क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, एलेक्सा आर जी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, लगा लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता होगा वैसे, आकाश का जो रंग है स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, लघुतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन या फिर विखंडन के कारण, व्हाट इज़ द राइट आंसर फॉर दैट, ए बी सी या डी। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी कठिन प्रश्न आना शुरू होंगे, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से करिए, ए बी सी या डी, सी सी सी। ज्योति जी लोधी आप सी बोल रही हैं, चैनल पर नहीं जुड़ी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कुशल जी सी बोल रहे हैं, माया मालवीय जी आप बी बोल रही हैं, बी आंसर गलत है, मैं पहले ही बता देता हूँ, अपवर्तन नहीं होगा। प्रकाश का जो, आकाश का जो रंग है वो नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्कैटरिंग, याद रखिएगा, स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है, इंग्लिश में स्कैटरिंग कहा जाता है। जो जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है, हृदेश जी भी सी ऑप्शन दे रहे हैं, हृदेश सिंह, अगर आप नए जुड़े हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और डेली हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, तो जो जो लोगों ने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, प्रकीर्णन क्या होता है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है जैसे प्रकीर्णन के ऊपर पूछा है, डेफिनेशन लिख के बोल देगा बताइए क्या है। तो प्रकीर्णन क्या होता है, जब भी आपके लाइट वेव, प्रकाश की जो भी तरंगे हैं, प्रकाश किरणें बोल देता हूँ मैं, तो प्रकाश की किरण जब भी किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिस माध्यम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल है और धूल के कण हैं, तो उनसे टकराने के कारण क्या हो जाती है, प्रकाश किरण ऐसे स्कैटर्ड हो जाती है, मतलब फैल जाती है, उसका प्रसार हो जाता है, प्रकाश की इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है उसका प्रकीर्णन उतना कम होता है, ठीक है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य जितनी कम होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसकी बैंगनी जो रंग कलर होता है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है तो उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, नीला जो कलर होता है उसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है तो प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इस वजह से आसमान या आकाश का रंग आपको नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आज हमारी स्लाइड का कलर भी वैसे ही है, आकाश के कलर जैसा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, अब ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, व्हाट इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जल्दी से बताइए। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक लेंस, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस उत्तल होते हैं, ए बी सी या डी। अब मुझे बताइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस किस ने पढ़ा है और ये क्या होता है, ए बी सी या डी। सोनू जी गांगुली आप भी ऑप्शन बोल रहे हैं, ठीक है, अभी बताइए इसका ऑप्शन, बताइए दसवें का, बताइए टेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन, बताइए ए बी सी या डी। बी, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम तो लगाओ भैया, अंबानी जी को फ़ोन लगाओ, जियो है, कौन सा नेटवर्क है, जियो है, आइडिया है, किसको लगाना है फ़ोन बताइए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, थोड़ा सा घर के बाहर आइए, एक छतरी में मोबाइल को बांध के ऐसे, ठीक है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरे यहाँ भी रहता है, देखिए आज 5 मिनट लेट हो गया मैं, कभी कभी हो जाता है नेटवर्क का प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन कोई भी नेटवर्क ऐसा नहीं है जो हम लोगों को मिलने से रोक सके। चलिए बी हो जाइए, थोड़ा बहुत शिफ्ट आ जाएगा नेटवर्क। बी, बी ऑप्शन आप बता रहे हैं,
तो टेंथ वाले का आप बी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और नेत्रक लेंस, ठीक है। तो एक नेत्रक लेंस होता है, एक नेत्राकार, तो इसमें दो सेट होते हैं। इस तरह से कुछ आपका माइक्रोस्कोप बनता है, सूक्ष्मदर्शी बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप दो लेंस से, और ऐसे इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक वस्तु रखी हुई है, यहाँ से एक लाइट रे गई और यहाँ पे इस तरह से ये चले जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से चले जाएगा, यहाँ एक इमेज बनेगा और इसका जो इमेज है वो इस तरह से कुछ बनेगा, ये ऐसे जाएगी और इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे कहीं मिलेगी और यहाँ पे आपका बनेगा इमेज, जिसे बोलेंगे आप कुछ भी बोल दीजिए, ये है बड़ा वाला इमेज। सो अल्टीमेटली है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के 18 समूह और 7 आवर्त, तो पहले समझ लीजिए जरा क्वेश्चन को, समूह क्या होता है, आवर्त क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो ऐसी जो लाइन रहती है इसको आवर्त कहा जाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा मजा आ जाएगा। ऐसी जो लाइन है उसको आवर्त कहा जाता है, आवर्त का मतलब होता है पीरियड, ठीक है। आवर्त सारणी के अंदर बात कर रहा हूँ, ऐसी जो लाइन होती है क्षैतिज लाइन है उसको आवर्त यानी पीरियड कहा जाता है, और ऐसी जो खड़ी लाइनें होती है उसे समूह कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, समूह या ग्रुप। तो अब आपसे ये बोला है कि उस तत्व का परमाणु संख्या बताओ जो चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है, मतलब चौथा समूह होना चाहिए, मतलब ये भी चौथा होना चाहिए और चौथा ही आवर्त होना चाहिए, उसका आपको क्या बताना है, परमाणु संख्या बतानी है। अब मुझे बताइए इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, जल्दी से बताइए, 24, 20, 22 या 12, क्या इसका सही आंसर होगा? क्या इसका सही आंसर होगा? कोई लोग अगर जो जो लोग तुक्का लगा रहे हैं उसको बकायदा लिखिए ऑप्शन और फिर तुक्का, ठाट से लगाइए तुक्के को भी, ठीक है। हिमांशु जी आप ए बोल रहे हैं, 24, ठीक है। नरेंद्र अकेडमी बी, ऋतिक ओके उइके, तो ऋतिक जी आप बोल रहे हैं 22। उसके बाद में नरेंद्र जी अगेन बी, हृदेश जी बी ऑप्शन बोल रहे हैं, हिमांशु जी फिर से फिर ए बोल रहे हैं आप, शुभम बना ए, प्रवीण 22, आरती ढाकरे 22, ठीक है। तो जो जो लोग 22 बोल रहे हैं सी ऑप्शन, वो तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब ज़रा आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे, ये देखिए पीरियोडिक टेबल। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, आवर्त बताया था और समूह बताया था। चौथा समूह देखिए, 1, 2, 3, 4, ये आपका चौथा समूह है, और चौथा आवर्त देखिए, 1, 2, 3, 4, ये चौथा पीरियड है, मतलब यहाँ और यहाँ, ये वाला एलिमेंट आपसे पूछा है, ये एलिमेंट जो है इसका एटॉमिक नंबर 22 है, भाई साहब का नाम टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम होता है और इसका परमाणु क्रमांक 22। टाइटेनियम की बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी, टाइटेनियम की बात होगी, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 22 होता है, टाइटेनियम का सिंबल देखे तो TI होता है, इसका परमाणु भार अगर बात की जाए तो 47.867 होता है, और ये जो है क्रिस्टलाइन क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका होता है। और उसके बाद में एक चीज़ और यहाँ से ध्यान रखना है, टाइटेनियम जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, कौन सी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ट्रांजिशन मेटल है, तो टाइटेनियम, ठीक है, वो बीच वाला जो ग्रुप मैंने आपको अभी थोड़े समय पहले भी बताया था जब पीरियोडिक टेबल, आप ये देख सकते हैं टाइटेनियम का फोटो कि इस तरह से ये कुछ दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से गलनांक सबसे कम किसका होता है। अब देखिए ये जो मैटर है ना, ये जो जिस प्रकार का ये प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसको करने का कुछ फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आपकी एक ही चीज़ है, रटन विद्या। अब गलनांक आपको या तो रटना पड़ेंगे या फिर याद करना पड़ेंगे जितना हो सके। आपको टेबल मिल जाएगी इंटरनेट पे अलग अलग तत्वों के गलनांक की, वो आप घोट डालिए, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं। हालांकि गलनांक निकालने का कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, अगर आपको किसी चीज़ का, वस्तु का या एलिमेंट का गलनांक निकालना है तो गलनांक दो चीज़ पर डिपेंड करता है, पहली चीज़ तो उसके मॉलिक्यूलर मास पे, यानी कि उसके परमाणु द्रव्यमान पे, और दूसरी चीज़ उसके अंदर जो किसी भी एलिमेंट के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स रहता है, अंतर आणविक जो बल रहता है उसके ऊपर भी गलनांक जो है वो डिपेंड करता है। तो अब ऐसा कुछ नहीं, आपको याद ही होना चाहिए। अब बताइए सबसे कम गलनांक किसका है, ए बी सी या डी? डी तुक्का प्रवीण जी बता रहे हैं, चांदी, गलत है, ए बी सी, जल्दी से बताइए, ए बी सी, डी तुक्का, बी, रंजना शर्मा जी बी बता रही हैं, हाइड्रोजन, और बताइए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बी, बी ऑप्शन आ रहा है ऋतिक जी की तरफ से, नरेंद्र जी बी ऑप्शन, कान्हा जी, राधा जी सी ऑप्शन दे रही है, नीता मालवीय जी सी ऑप्शन, नरेंद्र अकेडमी बी ऑप्शन, देन आफ्टर गुलबहार जी ए बता रही है, माया जी एच हाइड्रोजन बता रही है, तो ठीक है,
माया मालविया जी एच बता रही है, ठीक है। हाइड्रोजन जो जो लोग बता रहे हैं बी ऑप्शन, दैट इज़ वेरी करेक्ट, बी जो है वो बिल्कुल सही इसका उत्तर होगा। हाइड्रोजन का गलनांक सबसे कम होता है, ठीक है। तो इनमें से जो है हाइड्रोजन का गलनांक सबसे कम होता है। अब बात निकली है तो इनके अपन एटॉमिक नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्रोमियम है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक आपको पता है एक होता है, ठीक है। उसके बाद में चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ज़रा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। यहाँ पे आप बताइए किसका गलनांक सबसे कम होगा। वापस से उसी तरह का क्वेश्चन, टाइटेनियम, गंधक, ऑर्गन या जस्ता, ए बी सी या डी। टाइटेनियम, गंधक, ऑर्गन या जस्ता, क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ए बी सी या डी, एच वन, क्रोमियम 27, बिल्कुल सही है, सॉरी 24, सही। 13 का सी बता रही हैं, ऑर्गन, ऑर्गन, ऑर्गन सी। बी तुक्का, रंजना शर्मा जी ए, उसके बाद में नरेंद्र जी आप ए बता रहे हैं, ठीक है, बी तुक्का, ठीक है, प्रवीण बी तुक्का लगा रहे हैं, रंजना शर्मा जी ए, ऋतिक जी डी आप बता रहे हैं, विक्की सी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते फटाफट से, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑर्गन होगा। ऑर्गन का जो गलनांक होता है इनमें से सबसे कम होता है, तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक होती है। अब ये एटॉमिक नंबर पे वापस से क्वेश्चन आया, जल्दी से बताइए कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी परमाणु संख्या एल्यूमिनियम से अधिक होती है। फॉस्फोरस, नियोन, मैग्नीशियम और सोडियम, जल्दी से बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। फॉस्फोरस होगा, नियोन होगा, मैग्नीशियम होगा और सोडियम होगा। कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी परमाणु संख्या जो है वो आपकी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। ए पक्का, प्रवीण जी आप बोल रहे हैं ए फॉस्फोरस पक्का, रंजना जी बी बोल रही हैं, हरदीश जी ए बोल रहे हैं, काना जी, राधा जी आप ए ऑप्शन बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, प्रिंस जी ने ए ऑप्शन दिया है, विनोद जी ने ए ऑप्शन दिया है, माया मालवीय जी आप पी बता रही हैं, फास्फोरस, तो जो लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ा दीजिए एक बार, बिल्कुल एक वीडियो में पीरियोडिक टेबल पर बनाऊँगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आते हैं, ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में अखर जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो फास्फोरस है। चलिए नज़र डाल लेते हैं, एक बार परमाणु क्रमांक की बात हुई है तो डाल ही लेते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 15 होता है, नियोन का 10 होगा, मैग्नीशियम 12 और सोडियम जो होता है वो 11, ठीक है। सभी के परमाणु क्रमांक जल्दी से घोट दीजिए, बिल्कुल फटाफट से। फास्फोरस का कितना होगा, 15, नियोन का 10, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, सारे अक्रिय गैस में आती है, ठीक है। लास्ट कॉलम, लास्ट वाला जो सब अगर बोलें समूह की बात करें तो लास्ट ग्रुप, और 15 फास्फोरस, 10 नियोन, 12 मैग्नीशियम और 11 सोडियम, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी के में 18 समूह होते हैं, ठीक है भाई, होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे, अब ये बार बार क्यों लिखा हुआ आ रहा है पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आधुनिक आवर्त सारणी में बताइए कितने समूह होते हैं, तो आपको लिख देगा वो, बताना पड़ेगा 18, कितने आवर्त होते हैं, तो 7, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए दिमाग में, 18 समूह होते हैं, 18 ग्रुप और ऐसे 7 आवर्त होते हैं। अभी मैंने समूह आवर्त आपको बता दिया, आपको बताना है दूसरे समूह के चौथे आवर्त में रखा गया जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। दूसरे समूह के चौथे आवर्त में रखे हुए तत्व का परमाणु क्रमांक बताइए, दूसरा समूह चौथा आवर्त, जल्दी से बताइए, 20, 22, 18 या 10, क्या इसका सही आंसर होगा, सही आंसर बताइए, 20, 22, 18 या 10, 20, 20, 20, अभी सबके आ रहे हैं, 20 आंसर आ रहा है, प्रवीण जी 20 बोल रहे हैं, प्रवीण 20 बोल रहा है, सी नहीं, प्रवीण सी ऑप्शन दे रहा है, प्रवीण गलत है, 20, 20, 18, कोई लोग 22 बोल रहे हैं, काना जी, राधा जी आप 20 बोल रही हैं, माया मालवीय जी आप 20 बोल रहे हैं, बोल रही हैं, ठीक है, हृदेश जी ए ऑप्शन दे रहे हैं, 20, 20, 20, 20, ओके, 20, 20, 20, 20, 20 सी ए, ये सी ए क्या है भाई, सी ए, अच्छा सी ए, दोनों में कन्फ्यूजन है क्या, अच्छा 20 कैल्शियम बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, सी ए मतलब कैल्शियम, सॉरी फॉर दैट, मैं नहीं समझ पाया, सी ए छोटा लिखना था ना, आप बड़ा लिख रहे हैं तो सी ए मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, सी ए कैल्शियम 20, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कैल्शियम 20, ज़रा देखिए क्या बोला था उसने, उसने बोला था समूह दूसरा और आवर्त चौथा, तो दूसरा ग्रुप ये पहला और ये दूसरा, और 1, 2, 3,
फोर, ये फोर्थ, यानी कि ये मिला कैल्शियम, तो ये कैल्शियम हुआ। ठीक है, तो कैल्शियम में आपको पता ही है 20 इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पे, किस जलीय जानवर के पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? कौन सा जलीय जानवर ऐसा है जिसको पीछे चलने वाले टेंटेकल्स होते हैं? पीछे के पीछे चलने वाले टेंटेकल्स, जलीय जानवर के पीछे चलने वाले टेंटेकल्स क्या होता है? ये जलीय जानवर का नाम क्या है? समुद्री घोड़ा है, मूंगा है, जेली मछली है या फिर तारा मछली है? ए बी सी या डी? बहुत आसान क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा, मूंगा, जेली मछली या फिर तारा मछली। सी हॉर्स होगा, कोरल्स होगा, जेलीफिश होगा या स्टार फिश होगा, क्या होगा? ए बी सी या डी? दिलीप मालवीय जी आप सी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सी आप बता रहे हैं। रंजना शर्मा जी सी बता रही हैं, प्रवीण सी बता रहा है, रंजना शर्मा सी, कानाजी राजा जी आप डी बता रही हैं, रवि सिलावट आप डी ऑप्शन बता रहे हैं, मिशन आईपीएस प्रीति रैकवार ए ऑप्शन आप बता रही हैं, ए ऑप्शन गलत है प्रीति जी। अगर आप चैनल से नहीं जुड़ी हैं तो आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकती हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली हम लोग ये सीरीज़ लेकर आते हैं तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। सी 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 सी, चलिए ठीक है, तो हम आपकी बात मान लेते हैं, सी इसका सही आंसर है। तो चलने वाले टेंटेकल्स कौन से जली जानवर के पीछे होते हैं? तो वो जेली मछली यानी जेली फिश के पीछे होते हैं। ज़रा देख लीजिए, ये आपको दिखाई दे रही है जेली फिश, यहाँ पे ये जेली फिश है, एक्चुअली इस कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, एक्वेरियम अगर आप कभी गए हों तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है, आप देख सकते हैं। तो ये जेली फिश है और ये इस तरह से दिखाई देती है, और यहाँ पे देखिए जो रेशेदार ये बाल टाइप दिख रहा है ना, इसे हम टेंटेकल्स कहते हैं, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो ये टेंटेकल्स है जिसको चलने वाले टेंटेकल्स चलने में मदद करते हैं इसकी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक्वस एसिनस फिल इन द ब्लैंक्स का वैज्ञानिक नाम है, ये एक्वस एसिनस भाई किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से बताइए, एक्वस एसिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? गधा, गाय, हिरण या फिर कंगारू? ओ गॉड, नीता मालविया जी, ओ गॉड क्या हो गया? ए बी सी या डी? 17 का जल्दी से बताइए, ए बी सी या डी क्या ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? ए बी सी या डी पता नहीं ये तो हमें। थैंक्स सर, मैंने चैनल स्टार्टिंग से ही सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ए ए ए ए ए गधा 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 डोंकी। ठीक है, तो एक्वस एसिनस जो है बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं, गधे को आपने सही बताया है। और हृदेश जी डी ऑप्शन बोल रहे हैं, सोनू टिकम डोंकी बोल रहे हैं, सोनू टिकम डोंकी डी ओ एन के ई वाई, चलिए ठीक है, लिख दिया तो लिख दिया आप, क्या है। विकी जाटवा जी, ठीक है, गधे का नाम सुन के तुमको हंसी आ रही है, चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा गधा यानी कि डोंकी। तो एक्वस एसिनस जो होता है वो डोंकी का जो है साइंटिफिक नेम है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्वस एसिनस जो है डोंकी यानी गधे का साइंटिफिक नेम है। अब आप इसको कैसे भी कनेक्टिविटी कर लीजिए और याद रख लीजिए, बस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, और बात कर लेते हैं थोड़ी सी नेम्स की। जो आपका एलिपीडी नाजा जो है, एलिपीडी नाजा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है ज़रा बताइए? एलिपीडी नाजा, नाजा एलिपीडी नाजा, क्या याद आ रहा है इससे आपको? कभी याद आ रहा है, कभी पढ़ा हुआ है, थोड़ी स्मृति में धुंधला सा, एलिपीडी नाजा क्या है? एलिपीडी नाजा गरुड़ है, क्या वो उल्लू है, क्या वो एलिफेंट है, क्या वो कोबरा है? ए बी सी या डी? नियात प्रवीण नियात विकी डी उल्लू, ठीक है। रंजना शर्मा जी आप कोबरा ए बता रही हैं, कोबरा ऋतिक जी ए बता रहे हैं, विक्की डी बता रहा है, ज्योति बघेल जी बी ऑप्शन है, आरती जी ऑल बता रही है, रंजना शर्मा ए अगेन, ए ए ए कोबरा 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 कोबरा, चलो ठीक है, बाप रे किसका नाम ले लिया, नीता मालविया जी ए बता रही हैं, ठीक है। तो मिशन आईपीएस प्रीति जी आप बी बता रही है, बी गलत है, तो इसका जो सही आंसर है वो कोबरा है, ठीक है। तो एलिपीडी नाजा कोबरा है, तो कोबरे के जहर पे तो सभी को नाज होना चाहिए, तो एलिपीडी नाजा, ठीक है, एलिपीडी नाजा आप कैसे भी कनेक्ट करिए, लेकिन कोबरा इसका सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, आई थिंक ए, बिल्कुल आपका जो थिंक है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, थिंकिंग बिल्कुल सही है, कोबरा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते, चलो बार बार नाम नहीं लेना, रात पड़े कोबरा का, आगे बढ़ जाओ। एक्वस कैबेलस किसका साइंटिफिक नेम है? एक्वस कैबेलस जल्दी से बताइए, याद रखिएगा, ये ऐसी बात नहीं है कि बस पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, याद कर लो अभी के अभी, चार बार पढ़ना पड़े, पाँच बार पढ़ना पड़े, अभी के अभी करके और याद कर लो। एक्वस कैबेलस सब आए हुए हैं, एक्वस कैबेलस किसका वैज्ञानिक नाम है?
घोड़ा, जेब्रा, गधा या भैंस? एक्वस कैबेलस किसका साइंटिफिक नेम है? घोड़े का, जेबरे का, जेब्रा का, गधा का या भैंस का? गधा का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी हमने देखा। हॉर्स 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 हॉर्स, घोड़ा घोड़ा। एक्वस कैबेलस, एक्वस कैबेलस, हॉर्स। ठीक है, गुलबहार जी आप हॉर्स बता रही है, सोनू जी टिकम हॉर्स बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ऋतिक जी आप बी ऑप्शन बता रहे हैं, जेब्रा। चलिए ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ। जो जो लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, हॉर्स यानी कि घोड़ा इसका सही ऑप्शन होगा। तो एक्वस कैबेलस जो है वो घोड़े का एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो घोड़े का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक्वस कैबेलस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपका घोड़ा नहीं चलता है तो उसको केबल से मारना है तो चलेगा, कैबेलस। कैसे भी याद रख लेना, बस याद रख लो। चलिए अगला देखते हैं, एक्वस बर्चेली। एक्वस बर्चेली जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? घोड़ा, जेबरा, भैंस या गधा? अब देखो, घोड़े का हो गया, गधे का भी हो गया, जेबरा और भैंस बचा है। अब बता दो जल्दी से, बी और सी क्या होगा सही आंसर? एक्वस बर्चेली, बर्चेली, बी 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 बी, जेबरा जेबरा जेबरा। अब आपको समझ में आ गया कि सब एक्वस एक्वस वाले, घोड़ा गधा जैसा, तो उससे रिलेटेड ही कुछ होगा, तो बढ़िया है। दिमाग लगाने का तरीका, भेस भी यहाँ पे नहीं होगा। जो जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, जेबरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो हृदेश जी बी ऑप्शन दे रहे हैं, कान्हा जी, राधा जी, विनोद जी बी ऑप्शन, माया मालविया जी, ऋतिक जी, कान्हा जी, राधा जी, हिमांशु पांडे जी बी ऑप्शन, ज्योति बघेल जी बी ऑप्शन, दिलीप यादव बी ऑप्शन, सोनू टिकम बी ऑप्शन, प्रवीण मंदाव प्रवीण बी ऑप्शन, प्रिंस जी बी ऑप्शन, सभी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि अभी बी ऑप्शन ही बचा है। शुभम बना जी बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। तो जो लोग बी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, ठीक है। तो ये बर्चेली से आप ध्यान रख लेना कि बर्चेली जेब्रे का होगा, एक्वस बर्चेली जेब्रा का साइंटिफिक नेम है। तो यहीं पे इसी के साथ हमारा जो सफ़र है यहाँ पे आज का सफ़र ख़त्म होता है। सफ़र तो खूब लंबा, बहुत लंबा है, ठीक है, वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन आज का सफ़र हमारा ख़त्म होता है। कल फिर से 9 बजे रात में आपसे मुलाकात होगी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू एडवांस में। आरती जी आपको भी हैप्पी नवरात्रि, सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। मैं भूल गया था, अभी आरती जी का मैसेज पढ़ा और जैसे उन्होंने कमेंट किया तो मुझे याद आया। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आनंद से मनाइए, ठीक है। और दशहरा भी आएगा, उसके बाद त्योहारों की कंटिन्यूसली लाइन है, तो बहुत सारी खुशी आपकी ज़िंदगी में ये त्यौहार लेकर आए, यही कामना के साथ में आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ। नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर आप कर सकते हैं, और कल हम मिलेंगे। एक पर्टिकुलर मैसेज आ रहा है, सर मैथ्स की भी लाइव कर दो, ठीक है। जैसे जैसे समय मिलता जाएगा मैं क्लासेस लेके आऊँगा। एमपी करंट अफेयर कब से? बिल्कुल एमपी करंट अफेयर का मैं बता रहा हूँ आपको, कल से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। कल शाम 5 बजे एमपी करंट अफेयर की पहली वीडियो के लिए तैयार रहिए, धमाकेदार तरीके से, ठीक है। पर एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ, जितनी शिद्दत से और जितनी मेहनत करके मैंने उस करंट अफेयर सीरीज़ को आप लोगों के लिए तैयार किया है, मैंने बहुत उसके अंदर काम किया है, और उस तरीके से उसको प्रेजेंट करूँगा मैं कि आप लोगों को सभी एक जगह चीज़ मिल जाए, जो आपको भटकना पड़ता है, आपको नहीं मिल पाता है करंट अफेयर की चीज़ें इधर से उधर से कहीं से कलेक्ट करके, तो आपको सभी चीज़ एक जगह मिल जाए। उसी तरह से मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी निष्ठा के साथ उस सीरीज़ को मैं बनाऊँगा, लेकिन आप लोगों का सिर्फ इतना सहयोग मुझे चाहिए कि अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं आप लोगों के लिए हमेशा, आप जो बोलते हैं उसके लिए मैं रेडी रहता हूँ। आपने बोला साइंस का, आपने बोला, तो जितना भी समय मुझे जीवन से मिल पाता है उस एक पार्ट में मैं करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस लाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो एज अ मेंटोर मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आप इस तरह से मेरा मनोबल को आप बढ़ा सकते हैं और मेरा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए कल से आप रेडी रहिए, एमपी करेंट अफेयर आपको मिलने लगेगा, ठीक है, और एग्ज़ाम के पहले वो कम्प्लीट भी हो जाएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे कल फिर से 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, बाय, गुड नाइट।